100 Pipers, Pure Music CDs presents True Legends. Testing, 10 lakh, 20 lakh, 30. सबका एक ही सवाल था कि ये वॉरेन बफेट है कौन? ओमाहा का पैगंबर. पैसे कमाने के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं. ये इस शख्स ने 3,700 करोड़ डॉलर दान में दे दिए. लीजिए, मुझे समाज के विकास के लिए पैसे जमा करने में मजा आता है. ये हमारी 10 सेंट की कोक मशीन. वॉरेन बफेट ने ही बर्कशायर हैथवे का साम्राज्य खड़ा किया है. मैं हूँ वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन. कल बर्कशायर हैथवे कंपनी का स्टॉक $1,00,000 पर शेयर पर बंद हुआ. मैं सही कीमत पर सही कंपनी खरीदना चाहता हूँ. वॉरेन बफेट से बड़ा इन्वेस्टर शायद आज तक कोई नहीं रहा. हमारे बचपन में डैड कहते थे कि वॉरेन अंधेरे में भी देख सकता है. 1950 में उन्होंने $10,000 से शुरुआत की थी, जो अब $4,000 करोड़ में बदल चुके हैं. मार्च 2009 को डाउ पिछले 12 सालों में सबसे नीचे आ गया था. उस वक्त दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी माना कि इतनी बड़ी मंदी इसके पहले कभी नहीं आई. हमारी इकॉनमी पिछले साल सितंबर में ऐसी थी जैसे कि हमें अपना कोई दोस्त दलदल में सीने तक फंसा मिल गया हो और वो नीचे धसता जा रहा हो. 2008 से 2009 तक 12 महीनों के अंदर वॉरेन बफेट की निजी संपत्ति करीब $2,500 करोड़ कम हो गई थी. इतने नुकसान के बावजूद 2009 में बफेट की कुल संपत्ति करीब $3,700 करोड़ की थी और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे. हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने सिर्फ ईमानदारी से हासिल की थी, बिना किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल किए. उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया. वॉरेन जी साहब वाकई कमाल की थी. उनके पास कोई जादू का चिराग भी नहीं था. वो भले ही ओमाहा के पैगंबर थे, लेकिन वॉरेन बफेट ने कभी भविष्य बताने का काम नहीं किया. मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, ये कभी सोचा ही नहीं कि क्या होगा. मैं तो बस अपने रास्ते पर चलता रहा. मैं जानता हूँ कि आज से 20 साल बाद या 50 साल बाद काफी बढ़ भी जाएगा. मैं नहीं जानता कल क्या होगा और मैं इसकी परवाह भी नहीं करता. मैं तो सिर्फ सही कीमत पर अच्छी कंपनियां खरीदना जानता हूँ. इनके पूरे करियर में बड़े और छोटे दोनों तरह के इन्वेस्टर्स ने बफेट के तरीकों की स्टडी की है. जून 2010 में एक चैरिटी नीलामी हुई जिसमें जीतने वाले ने इनके साथ खाना खाने के लिए करीब $26,00,000 दे दिए. वो काफी बड़ी रकम थी, लेकिन ऐसे मौके के लिए वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काफी दौलत खड़ी की थी. ठीक से ये नहीं बताया जा सकता कि उन्होंने कितने लोगों को करोड़पति बनाया है. शायद वही जानते हो, लेकिन उनकी गिनती हजारों में तो जरूर होगी. वाकई उनके जैसे शख्स ही कैपिटलिज्म का नाम रोशन करते हैं. वॉरेन बफेट की कामयाबी की कहानी अमेरिका की सबसे बड़ी मिसाल है. मुझे इस देश ने बहुत कुछ दिया है. मैं 1930 में पैदा हुआ था और तब इस बात की संभावना बहुत कम थी कि मैं अमेरिका में पैदा होता. मेरे अंदर जो कैपिटल एलोकेशन का हुनर था वो इस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत कीमती था. लेकिन अगर मैं बांग्लादेश में होता तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और अगर मैं 300 साल पहले पैदा होता तो वो कोई काम नहीं आता. होरेशियो एल्जर के किसी हीरो की तरह वॉरेन बफेट ने इतने पैसे सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और कुछ कर गुजरने के जज्बे की बदौलत कमाए थे. कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतना मजाकिया भी हो सकता है. चैरिटी थी जिसमें मैंने डैडी वॉर बक्स की भूमिका निभाई थी, और यतीम खाना चलाने वाले मिस फ्लैनेगन मुझे बार बार वो बक्स कह रही थी. तब मैंने उन्हें समझाया कि वो बिल गेट्स है, मैं नहीं. माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स बफेट के अच्छे दोस्त हैं. उम्र में वो इनसे काफी छोटे हैं, लेकिन संपत्ति के मामले में कुछ करोड़ डॉलर ज्यादा अमीर है. माइक्रोसॉफ्ट के इस बादशाह के पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, लेकिन 26 जून 2006 को 75 साल के बफेट ने दुनिया के किसी भी अमीर से ज्यादा पैसे दान किए थे, $3,700 करोड़. ये बहुत बड़ी खबर थी. और अगली खबर है उस भयंकर तोहफे की. गुड इवनिंग. सच कहें तो ये पैसे वाकई बहुत ज्यादा. आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दान किए हैं. वो है ओमाहा के पैगंबर. आज मेरे पास कई खताए हैं जिनमें से पहले दिन पर दस्तखत करना बहुत आसान था. मैंने लिख दिया डैड.
न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में हुए एक समारोह में उन्होंने अपनी दौलत का दो तिहाई हिस्सा 5 चैरिटीज को दान कर दिया। ये है मेरी बेटी सुजन, मैंने वो खत इस तरह से शुरू किया था। प्यारी सुस, गनीमत है कि मैंने इसकी शुरुआत अना निकोल स्मिथ से नहीं की है। उन्होंने सुजन थॉमसन बफेट फाउंडेशन को 300 करोड़ डॉलर दिए जो उनकी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर बना है, और 100 करोड़ डॉलर अपने तीनों बच्चों की चैरिटीज को दिए। मेरा बेटा हार्वर्ड भी आया है, बिल्कुल नहीं चुकूंगा। और मेरा बेटा पीटर। लेकिन बफेट के दान का सबसे बड़ा हिस्सा गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। $100 का सवाल है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये लीजिए। बफेट के इस दान से फाउंडेशन की दौलत दुगनी हो गई थी। ये खत संभाल कर रखना। आज के हिसाब से वो रकम 3,100 करोड़ डॉलर की थी। इतना पैसा कम नहीं होता, इतने से दुनिया पलट जाती है। पैसे देना एक बड़ी समस्या थी, इसलिए उन्होंने पैसों की देखभाल का काम अपनी बीवी सुजन को सौंप दिया था। सूजी ही पैसों का मामला देखती थी। ये तय था कि पहले वॉरेन की मौत होगी, फिर सुजन की। वो इन मामलों में बहुत अच्छी थी, और जब से मैं उन्हें जानती हूँ उनका दिल ऐसे कामों में था वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था। 2004 में उनकी मौत हो गई। वॉरेन सोचने लगे कि पैसों की देखभाल करने के लिए सुजी तो रही नहीं, तो अब ये काम कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे। एक बात तय थी कि वो पैसे उनके बच्चों को नहीं समाज को मिलने वाले थे। शुरू से ही उन्होंने और उनकी बीवी सुजी ने अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर दिया था कि उन्हें विरासत में बहुत बड़ी दौलत नहीं मिलने वाली, उनके परिवार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वॉरेन बफेट अपने पैसों से समाज का भला करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस की तरह दान में भी वो अपने एक एक पैसे की कीमत समझते थे। वो मानते थे कि पैसे देने के मामले में वो माइक्रो मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कह सकता हूँ कि पैसों को सही जगह पर खर्च करने में तुम लोग मुझसे बेहतर हो, तो ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मेरे पैसों को सही जगह पर दान करोगे। बिल गेट्स बहुत सोच समझ कर दान देते थे। अगर मैं अपने पैसे गलत जगह खर्च कर देता तो शायद ज्यादा फिक्र नहीं रहती, लेकिन वॉरेन के पैसों को गलत जगह खर्च करना बहुत बड़ी भूल होती है। दुनिया में बदलाव लाने के लिए वो शायद अमेरिका की सरकार से भी ज्यादा काम करने के काबिल थे, जैसे बीमारियों से लड़ना, लोगों को पढ़ाना। फिलैंथ्रोपी में हम ऐसी समस्याओं के बारे में सोच लेते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। भारी समस्याएं जिनके बारे में पहले भी पैसे वाले और समझदार लोगों ने सोचा था, लेकिन उनका समाधान ढूंढने में उन्हें परेशानी हुई। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि उन पैसों पर उनका ही नाम लिखा हो। वो ये नहीं चाहते थे कि वो अमर बन जाएं, बस इतना चाहते थे कि उनके पैसों का सही इस्तेमाल हो। वो बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन पैसों पर नाम किसका होगा। वो बस इतना ही सोचते थे कि उनके पैसों से क्या होने वाला है। वॉरेन बफेट एक पूंजीपति है, लेकिन बड़े ही विनम्र है। उन्हें पैसे पसंद है, लेकिन उन्हें अपने पास रखने से ज्यादा वो उन्हें कमाना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वॉरेन बफेट के पास इतनी दौलत थी कि वो 3,700 करोड़ डॉलर दान कर सकते थे, फिर भी वो एक आम अमेरिकी ही बने रहे। दिखावेबाजी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके पास ना तो यॉट थे, ना ही शानदार कारें थी, या कोई ऐसी चीज जो कि दौलतमंद लोगों के पास अक्सर देखने को मिल जाती है। तो कपड़े भी बेढंगे ही पहनते हैं। एक बार एक दर्जी से वही शर्ट पर अपने कपड़े मुफ्त में सिलवाने को तैयार हो गए थे कि वो किसी को उसका नाम नहीं बताएंगे। बफेट अपनी दौलत का बहुत छोटा सा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं। वो अक्सर कहते थे कि मैं हर वो चीज खरीद सकता हूँ जो दौलत से खरीदी जा सकती है, लेकिन उनकी जरूरत क्या है? पैसों से क्या खरीदा जा सकता है? अगर मेरे पास एक के बजाय 5 कारें होती तो क्या मेरी जिंदगी ज्यादा खुशहाल हो जाती? तब मेरे लिए उनकी देखभाल करने की परेशानी और बढ़ जाती। वॉरेन बफेट एक ऐसे शख्स हैं जो इट्स अ वंडरफुल लाइफ के किरदार नजर आते हैं। वो राजनेताओं, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों और दूसरे बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन कभी उनकी शख्सियत में बदलाव नहीं आता, चाहे वो सोप ओपरा ऑल माय चिल्ड्रन में काम करने की बात ही क्यों ना हो। मिस्टर बफेट, क्या मैं आपको वॉरेन कह सकती हूँ? सिर्फ मैं और आप। एक बात कहो वॉरेन, आप तो मेरी जिंदगी है।
वॉरेन बफेट कोई आम अमेरिकी नहीं है। भले ही उनकी शख्सियत में किसी सुपर हीरो वाली बात न हो, पर उनके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, लेकिन वो उनसे सिर्फ पैसे ही कमाते हैं। उनके पास एनालिसिस करने की कमाल की शक्ति है। वो ऐसी बातें भी सोच लेते हैं जो कोई आम इंसान नहीं सोच सकता। हमारे बचपन में डैड कहते थे कि वॉरेन अंधेरे में भी देख सकता है, और ये बात तो मैं कभी नहीं भूल पाती। वॉरेन बफेट हार्वर्ड और लीला बफेट की दूसरी संतान और इकलौते बेटे थे, जो ग्रेट डिप्रेशन के शुरुआती दौर में 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में पैदा हुए थे। उस जमाने में ब्रेड के लिए, सूप के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन जब बफेट काफी छोटे थे तभी उनकी नौकरी छूट गई थी। हार्वर्ड बफेट अकेले ही सिक्योरिटीज बेचते थे, जिसकी वजह से उनका परिवार तंगी से गुजर रहा था। जब ज्यादातर अमरीकी सूप किचन में खाना खाते थे, तब वॉरेन की माँ खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन और उनकी दो बहनों डॉरिस और रोबर्टा का पेट भर सके। बफेट ने गरीबी को बहुत करीबी से देखा था, और 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। वो $0.25 में अपने दादाजी की राशन की दुकान से कोक का 6 का पैक खरीदते हैं, और फिर उन्हें 5-5 सेट में बेच देते हैं, जिससे 20% की कमाई हो जाती। वो उसके बाद जिंदगी भर यही करते रहे। वॉरेन को ये नंबरों की समझ हमारी माँ से विरासत में मिली थी, क्योंकि इस मामले में वो कमाल की थी। वो हिसाब लगाने वाली मशीन से भी ज्यादा तेजी से हिसाब कर सकती थी। अपने पिता से भी उन्होंने ऐसा ही एक हुनर सीखा था। पैसे कमाने के लिए बेईमानी करना बिल्कुल जरूरी नहीं। इसका असर तो हम सभी भाई बहनों पर पड़ा था। हमारे अंदर ईमानदारी और सच्चाई की भावना भरी थी, और वॉरेन तो डैड की बातों को अपनी जिंदगी में उतार चुके थे। हार्वर्ड बफेट ने अपने बेटे को बहुत छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट करने की कला सिखा दी थी। वॉरेन जब 11 साल के थे, तभी उन्होंने अपनी बहन डॉरिस के साथ एक एनर्जी कंपनी सिटी सर्विस के शेयर खरीद लिए। मुझे पहले अंदाजा हो गया था कि वो क्या करना चाहता है। हमने $100 के शेयर्स खरीदे थे, पर तभी बाजार में मंदी आ गई, काफी नीचे चला गया था। वो घबरा गए और बाद में बहुत कम फायदे में ही अपने शेयर बेच दिए। जल्द ही उसकी कीमत $200 तक पहुंच गई। उससे उन्होंने यही सबक लिया था कि अपने शेयर्स जल्दबाजी में मत बेचो। उसके बाद से तो उन्होंने किसी भी चीज को देर तक अपने पास रखना सीख लिया था। वॉरेन को बेसबॉल पसंद था, और आज भी है। उनके कई दोस्त थे, और वो भी दूसरे लड़कों जैसे ही थे, लेकिन एक फर्क था। वो आम बच्चों जैसे ही थे, लेकिन एक बात में सबसे अलग थे कि उन्होंने ऐसे काम शुरू कर दिए जो शायद और बच्चे नहीं करते। वो पेट्रोल पंप्स पर जाकर बोतलों के ढक्कन जमा करते थे। वो उन ढक्कनों को घर लाते और फिर एक अखबार पर फैलाकर उन्हें छांटते थे। उस वक्त वो जो करते थे वो आज की मार्केटिंग ही है। वो उस वक्त से ही ये सब कर रहे हैं। 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। और उस वक्त वॉरेन के रिपब्लिकन पिता ओमाहा में इकलौते ऐसे शख्स थे जो जंग के वक्त के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट की पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। सर को चौंकाते हुए वो जीत भी गए। जल्द ही उनका परिवार वॉशिंगटन डीसी में रहने लगा। 14 साल के वॉरेन ने फिर से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब वो वॉशिंगटन पोस्ट अखबार बांटने लगे थे। हमारी मॉम सुबह के 4 बजे ही जाग जाती और भाई के लिए नाश्ता बनाती, उनकी काफी मदद करती थी। वो उन्हें कामयाब देखना चाहती थी। उनके लिए जीत और कामयाबी बहुत मायने रखती थी। वो वेस्टचेस्टर अपार्टमेंट्स में रोज सुबह 500 अखबार बांटते थे, जिससे महीने के $175 कमा लेते थे। कई लोगों की तो ये महीने भर की तनख्वाह होती थी। उन्होंने अपने कुछ पैसे नेब्रास्का के खेत पर खर्च किए, और एक किसान से उसका किराया लेते थे। वो हमेशा कोई न कोई बिजनेस करते रहते। इनके अलावा वो शेयर्स का भी काम करने लगे थे। पिनबॉल मशीन से भी वो पैसे कमाने लगे थे। उन्होंने अपने स्कूल के एक मैकेनिक दिमाग वाले दोस्त के साथ पुरानी पिनबॉल मशीन खरीदी और उन्हें नाई की दुकानों में लगा दिया। जब वो करीब 16 साल के थे, तभी एक दिन मुझसे कहा था कि 30 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहता हूँ। नौजवान बफेट ने अपने लिए बिल्कुल बड़ा लक्ष्य तय कर रखा था। वो पैसे कमाना चाहते थे, और वो ठान चुके थे कि चाहे जो हो वो अमीर तो बनेंगे ही। True legends.
वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले वॉरेन बफेट उस वक्त एक टीनेजर थे, लेकिन जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसलिए वुड्रो विल्सन हाई स्कूल से 1947 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक इन्वेस्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के जोर देने पर वो कॉलेज में पढ़ने लगे। फिर 1950 में वो न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में पढ़ने लगे। वॉरेन के पसंदीदा प्रोफेसर थे बेन ग्रैहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की एक किताब लिखी थी। वो बेन ग्रैहम के दीवाने थे और मानते थे कि वो उन्हें ऐसी कला सिखा रहे थे जिससे वो अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना सीख सकते थे। ग्रैहम ने कहा कि स्टॉक्स को देख रहे हो वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन वो किसी चीज के प्रतीक है। वो उस बिजनेस में तुम्हें हिस्सेदार बनाते हैं। जब भी कोई शेयर खरीदो तो ये सोचकर खरीदो कि तुम एक नया बिजनेस खरीद रहे हो। उसके बाद से मैंने जब भी कोई शेयर खरीदा तो हमेशा यही सोचा कि मैं भी उस बिजनेस का एक हिस्सा हूँ। मतलब मैं बिजनेस के बारे में सोचता था, मैं ये नहीं सोचता था कि स्टॉक में कैसा उतार चढ़ाव आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं या अगले 3 महीनों में वो कितना कमाने वाले हैं। ना ही मैं कभी चार्ट देखता था, मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देखता था। इन्वेस्टमेंट के ये वो सिद्धांत थे जिनसे बफेट कभी दूर नहीं गए। उनमें और चीजें जोड़ते रहे पर उन सिद्धांतों से कभी दूर नहीं गए। 1951 में बफेट ओमाहा लौट आए और अपने पिता के ब्रोकरेज में काम करने लगे। वहीं 21 साल के वॉरेन को सुजन थॉमसन से प्यार हो गया, जो उनकी छोटी बहन रोबर्टा के साथ पढ़ती थी। दरअसल सूजी कमाल की लड़की थी। वो सेंट्रल हाई स्कूल की प्रेसिडेंट थी। उस जमाने में किसी लड़की का क्लास प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी बात थी। वो गाती थी या म्यूजिकल प्लेज में भी हिस्सा लेती थी। सूजी को वो सब पसंद करते थे, वो भी सबसे प्यार करती थी। लेकिन वॉरेन बफेट से नहीं, उनका एक दूसरा बॉयफ्रेंड था। तब वॉरेन ने उनके पिता को बताया। सूजी के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे और वॉरेन को पसंद भी करते थे। वॉरेन अपना यूकेलेली और डॉक थॉमसन अपना मैंडोलिन साथ में बजाया करते थे। पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन अंत में उन्होंने सूजी का दिल जीत लिया। अप्रैल 1952 में उन्होंने शादी कर ली और अगले 6 साल में उनके 3 बच्चे हुए, सूजन, हावर्ड और पीटर। 1956 में बफेट ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और साल भर बाद ही उन्होंने फर्नम स्ट्रीट पर $31,500 में एक नया घर खरीद लिया। उनके पड़ोसी डॉन कियो को लगता कि वो बड़े आलसी इंसान हैं। वो कभी काम पर नहीं जाते थे, दिन भर फोन पर जाने क्या करते रहते, जबकि मैं एक सेल्समैन था, दिन भर घूम घूम कर कॉफी बेचता और शाम तक घर लौटता था। लेकिन दिन भर घर में बैठे रहने वाला शख्स इन्वेस्टर्स को रिझाने में लगा रहता था। एक दिन कहने लगे, डॉन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं एक छोटा सा फंड शुरू करना चाहता हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, अगर तुम भी उसमें $10,000 लगाओ तो हो सकता है कि उससे थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे पास भी आ जाए। मैंने कहा मुझे सोचने का मौका दो। फिर मैं अपनी पत्नी विकी के पास गया और कहने लगा कि जरा सोचो, मैं उस शख्स को $10,000 कैसे दे सकता हूँ जो दिन भर घर में ही बैठा रहता है। क्यों नहीं दे सकते, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था, उनकी ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं था। उन्होंने एक बार कहा भी था कि जब महीने के $1,000 मिलने लगेंगे तब सब मानेंगे। उन्होंने ऐसे डॉक्टरों से पैसे इकट्ठा किए जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, तब उनकी उम्र भी कम थी। 1950 में उन्होंने $10,000 से शुरुआत की थी जो अब $4,000 करोड़ में बदल चुके हैं। मैं रात में जाग जाता, उसके बारे में सोचता, आज इन बातों को याद करके हंसी आती है। 1962 में बफेट की नजर गई न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स की एक टेक्सटाइल मिल पर जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। उसके पीछे एक बड़ी खास वजह थी, उसके शेयर सस्ते थे। 3 साल बाद उन्होंने इतने शेयर खरीद लिए कि कंपनी को अपने नियंत्रण में रख सके। वो भी बेन ग्रैहम के बताए शेयर जैसा ही था। उसके भाव कम थे, स्टॉक में भाव कम थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त टेक्सटाइल बहुत कामयाब बिजनेस नहीं था, लेकिन ऐसे में भी वॉरेन मान रहे थे कि वो उससे पैसे कमाएंगे। लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ने लगे। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे इस बिजनेस से पैसा कमाना है। इसके बाद वो उस बिजनेस से हर तरह से पैसे कमाने की कोशिश करने लगे। उन्हें जो भी पैसा मिलता उसे टेक्सटाइल बिजनेस में लगाने की बजाय वो इंश्योरेंस कंपनी में लगाने लगे और वीकली न्यूज़पेपर्स की एक चेन खरीदी, एक स्टील प्लांट खरीदा। धीरे धीरे वो अलग अलग तरह के बिजनेस में हाथ डालने लगे और टेक्सटाइल मिल के पैसे
ऐसी जगहों पर लगाने लगे जहाँ से ज्यादा अच्छी कमाई हो सके। और फिर एक दिन वो उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक होल्डिंग कंपनी बन गई। बर्कशायर हैथवे मिल जहाँ खत्म होती जा रही थी, वहीं होल्डिंग कंपनी की मिल्कियत बढ़ती जा रही थी। एक इन्वेस्टर के तौर पर वॉरेन बफेट बेहद कामयाब थे। वो डाउ में साल दर साल आगे बढ़ते जा रहे थे और 1965 तक तो उन्हें 33% अंक ज्यादा मिल गए थे। लेकिन वो साल वॉरेन बफेट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। उनके पिता उनके लिए एक हीरो थे। वॉरेन को लगता था कि उनके पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वो उनके बारे में हमेशा यही मानते रहेंगे। उनके पिता की मौत उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अगर मिड 60s वॉरेन के लिए निजी तौर पर बुरा था, तो लेट 60s इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के लिए चुनौती भरा था। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आया था। अंदाजे का बाजार गर्म था और मुनाफे का अनुपात आसमान छूने लगा था। वॉरेन की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से स्टॉक खरीदे, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप ही खत्म कर दी। 1969 में बफेट को लगा कि शेयर के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, वैसे ही वो अचानक तेजी से नीचे भी आएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की 10 करोड़ 40 लाख की पूंजी अपने इन्वेस्टर्स को कैश में या बर्कशायर हैथवे के शेयर के रूप में लौटा दिए, उसी पुरानी टेक्सटाइल मिल के जिसे उन्होंने अभी तक अपने पास ही रखा था। वॉरेन बफेट अब एक नई चुनौती का सामना करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी। रिपब्लिकन पार्टी छोड़ने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी और वो थी मौलिक अधिकार। और वैसे भी सूजी वॉरेन के मुकाबले ज्यादा लिबरल थी। 1960s के आखिरी और 1970s के शुरुआती दिनों में वो कई पक्षों के लिए काम करने लगी थी, जैसे ब्लैक्स के लिए, शांति के लिए। वो वॉरेन को भी उनकी मदद करने के लिए प्रेरित कर रही थी। टेक्सटाइल मिल के अलावा कोई पार्टनर या इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया था, इसलिए बफेट अब इन्वेस्टमेंट के मामलों की बजाय सिविल राइट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और प्लैंड पेरेंटहुड पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। वॉरेन ने हिरोशिमा में हुई तबाही देखी थी, इसलिए अगला मुद्दा था परमाणु हथियारों पर रोक। लेकिन उन्हें सामाजिक मुद्दों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ साल बाद ही वो हुंकार भरते हुए ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ आए जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। सत्तर तक तीन बच्चों के पिता वॉरेन बफेट 40 साल के हो चुके थे। हालांकि उन्होंने अपनी पुरानी पार्टनरशिप तोड़ दी थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे उनकी 2.5 करोड़ की संपत्ति और बढ़ सके। इतने पैसों का मतलब था खतरा। मैंने पूछा कि वॉरेन आपको डर नहीं लगता कि कोई आपके बच्चों को अगवा कर लेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ। बफेट का यही अंदाज था। वो पब्लिसिटी से दूर रहते और उनके परिवार को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उनके पास करोड़ों की दौलत है। हम ठेठ अमरीकी माहौल में बड़े बड़े थे और जब हम छोटे थे तब हमें तो कभी नहीं लगा कि जिन बच्चों के साथ हम स्कूल जाते हैं हम उनसे अलग हैं। उनके बच्चे भी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका परिवार दूसरों से अलग है। बच्चे नहीं जानते थे कि वो क्या करते थे। और मुझे याद है कि एक दिन पीटर घर लौटा और कहने लगा कि हम बड़े अमीर हैं। उन्होंने उसे देखा और पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उसने जवाब दिया कि फ्रेडी चाचा की राशन की दुकान है ना। उनकी बेटी ने बताया कि सब कहते थे कि वो एक सिक्योरिटीज एनालिस्ट है और काफी बड़ी होने तक वो यही समझते रहे कि वो अलार्म सिस्टम्स की जांच करते थे। पूरा परिवार फर्नम स्ट्रीट वाले उसी घर में रह रहा था जो वॉरेन बफेट ने 1957 में खरीदा था। उस घर में काफी खुशहाली थी। सूजी एक परफेक्ट या अरे परफेक्ट माँ और बीवी थी। हम दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। मुझे याद है कि एक रोज वो बच्चों के लिए जो कि स्कूल से आने वाले थे गर्मा गर्म कुकीज बना रही थी। उन्होंने चॉकलेट चिप्स कुकीज बना ली, लेकिन बच्चों के लौटने तक एक भी कुकी नहीं बची। सूजी बच्चों की ज्यादा देखभाल करती थी और वॉरेन काम में व्यस्त रहते थे। घर का मालिक रहता तो घर में ही था।
ध्यान नहीं रहता, खासकर जब वो कुछ पढ़ रहे होते या कुछ सोच रहे होते थे। जब उनका परिवार लगुना बीच कैलिफोर्निया में 1971 में सूजी के कहने पर खरीदे हुए वेकेशन होम में छुट्टियां मनाने जाता, तब भी वो काम करते रहते, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बिजनेस पर ही लगा रहता। और जब 70 के दशक की शुरुआत में तेल की किल्लत की वजह से शेयर बाजार की हवा निकल गई थी, उस वक्त वॉरेन बफेट पूरी तरह से तैयार थे। 1970 की शुरुआत में सबसे पहले उनकी नजर गई वॉशिंगटन पोस्ट पर। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि वो बचपन में वही अखबार बांटते थे, लेकिन दूसरी वजह थी उसने शेयर जारी किए थे। मुझे एक खत से पता चला था कि वॉरेन ने कंपनी का 5% हिस्सा खरीद लिया था। इसके पहले कभी उनका नाम नहीं सुना था। कैथरीन ग्रेम उस परिवार की मुखिया और अखबार की मालकिन थी, लेकिन 1963 में अपने पति की मौत के बाद वो इतनी टूट चुकी थी कि अखबार को नहीं संभाल सकती थी। मुझे लगता है कि वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उन्हें ये सब सीखने में काफी वक्त लग सकता था, खासकर कारोबार का मामला। और तभी सामने आए वॉरेन बफेट। मुझे याद है कि उस रोज सब उन्हें देख रहे थे। सवाल एक ही था, ये वॉरेन बफेट आखिर है कौन? वो क्या चाहता है? क्या वो उनकी भलाई चाहता है या फिर उनकी बुराई? वो आखिर करना क्या चाहता है? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इधर वॉरेन बफेट ने पोस्ट के बारे में हर वो बात जान ली थी जो जरूरी थी। वॉरेन कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से होमवर्क कर लिया करते थे। ओमाहा लाइब्रेरी से मेरी माँ की जीवनी तक लाए थे। पता लगा कि उनसे पहले किसी ने उसे नहीं पढ़ा था। जानकारी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने वाले हैं। इस बात से पोस्ट मैनेजमेंट घबराया हुआ था। मैं उस बिजनेस से जुड़े जिन लोगों को जानती थी, उनका कहना था कि ये बेहद खतरनाक है। उन्होंने मुझे डरा दिया था। सबने कहा था कि उनके करीब भी मत जाना, लेकिन वो गई। उन्हें देखते ही वो दंग रह गईं। उन्होंने उन्हें हैरान कर दिया था। उन्हें ये बात समझा दी थी कि वो मन में कोई गलत इरादा लेकर नहीं आए हैं, वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं। जल्दी ही उन्होंने न सिर्फ के ग्राम के मन का डर निकाल दिया, बल्कि जब कारोबार में सलाह की जरूरत पड़ती तो वो उनसे ही लेती थी। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया था। वो अपने साथ 10-12 एनुअल रिपोर्ट्स लेकर आते और कहते कि मैं आपको ये सारी रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। कारोबार अच्छा चल रहा था और मैं उन पर निर्भर रहने लगी थी। मैं दिन में 3-4 बार उन्हें फोन करती थी। ग्रैंड परिवार के बाद करोड़पति वॉरेन बफेट ही पोस्ट के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने एक एक पैसे का ध्यान रखते थे। एक बार वो केक के साथ एयरपोर्ट गए जहाँ केक को एक फोन करना था। जब एक फोन कॉल की कीमत 10 सेंट थी और वॉरेन के पास $0.25 का एक सिक्का था, वो उसका छुट्टा कराने चल पड़े। वो एक ऐसे इंसान थे जो 10 सेंट की भी अहमियत अच्छी तरह से समझते थे। और दूसरा पहलू ये था कि बफेट के पास ढेर सारी दौलत थी, लेकिन वो उसकी नुमाइश नहीं करते थे। वो बिना किसी हिचक के सेकेंड हैंड कपड़े भी पहन लेते थे। रिश्ता चाहे जो भी हो, मिसेस ग्रेम और वॉरेन बफेट की जोड़ी अजीब सी थी। उनकी दोस्ती अटूट थी, लंबे समय तक चलने वाली। वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे। वॉरेन और के एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनका आकर्षण ऑपोजिट्स का था। ओमाहा के उस अजीबोगरीब शख्स में यकीनन उन्हें कुछ तो खास दिखा था। मैंने कई बार उन्हें अपने घर में रोकने की कोशिश भी की थी। जब से हमारी दोस्ती हुई थी तब से मैंने उन्हें कभी चैन से बैठकर खाना खाते नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें फास्ट फूड हैमबर्गर वगैरह पसंद थे। के पैसे, आपका दिन अच्छा बीते। थैंक यू। एक बार वो हमारे साथ लॉबस्टर खा रहे थे और वो लॉबस्टर पहली बार खा रहे थे और बार बार उसे पिछले हिस्से से काटने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा तो बोल पड़ी, वॉरेन अगर उसे पलट दोगे तो आसानी से खा पाओगे। मिसेस ग्रेम का सर्कल वॉरेन बफेट के लिए बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहाँ वो पहली बार ईस्ट कोस्ट के अमीरों से मिले थे और उसे देखकर वो भी उसी रंग में रंगने लगे थे। लेकिन मिड 70s में उनकी जानी पहचानी दुनिया में बड़ा जबरदस्त बदलाव आ गया। उनकी पत्नी सूजी एक अच्छी सिंगर थी और वो नाइट क्लब्स में गाने लगी। Well, hello there, good old friend of mine. वॉरेन मुझे याद है कि उनका गाना सुनकर गर्व से भरे थे और बार बार फूल भेज रहे थे। किसी की तारीफ करने में उनका जवाब नहीं था।
1977 में बफेट्स ने अपनी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, लेकिन उसी साल वॉरेन की दुनिया बिखर गई। सूजी ने फैसला कर लिया था कि वो अब अकेली रहेंगी, लेकिन उन्हें मिसेस वॉरेन बफेट का नाम भी चाहिए था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आ गया था जब उसे थोड़ा अकेलापन चाहिए था। वो शायद सबसे अलग रहना चाहती थी। सूजन ने सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया। शुरू शुरू में तो वो इस बात से बहुत परेशान हुए थे, वो सूजी के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में एस्टेड मैक्स आई, जो सूजी की सहेली थी, और वो उनकी जिंदगी में सूजी के कहने पर ही आई थी। वो इस परेशानी से इस तरह से उभरे थे, लेकिन वॉरेन के लिए वो वक्त बेहद मुश्किल था। एस्टेड उनकी दूसरी पत्नी जैसे रहने लगी थी, लेकिन सूजी से उन्होंने तलाक नहीं लिया। कमाल की बात तो ये थी कि दोनों ने इस बात को कबूल कर लिया था। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते, लेकिन उन्होंने किया था। इस बात में शक नहीं कि वो उनके दीवाने थे। दीवानी थी, उनकी जिंदगी चल रही थी और ये पति पत्नी का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता था। जल्दी ही वॉरेन बफेट की जिंदगी में एक और औरत अहम बन गई। मैं हूँ वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन। 1980 की शुरुआत में वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो बेहतर बनाने में जुटे थे, और कुछ समय से उनकी नजर नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट पर थी। उसकी मार्केट थी 90 साल की रोज ब्लमकिन, जो ओमाहा में मिसेस बी के नाम से जानी जाती थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आइए मैं दिखाती हूँ, मेरे पास काफी कार्पेट है। वो रूस से यहाँ आई थी। इस देश में आने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने की हिम्मत दिखाई थी। और है, चलिए मेरे साथ और दिखाती हूँ। 1980 तक उनका पूरा परिवार यहाँ आ गया, और उनकी फर्नीचर की दुकान यूएस की सबसे बड़ी दुकान थी। मिसेस बी अपने गोल्फ कार्ट पर बैठे बैठे ऑर्डर देती और पूरी दुकान संभालती थी। वो दिन भर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है, किसी काम का नहीं। वो बिना छुट्टी लिए दिन में 14 घंटे काम करती, हफ्ते के सातों दिन, और ध्यान सिर्फ बिजनेस पर। यू गॉट मी डिंग। कितने का है? $17.5 का है। वो फर्नीचर का प्राइस टैग अपने घर पर भी रखती थी, ताकि अगर कोई आ गया तो उसे बता सके। कमाल की सेल्स पर्सन थी। मैं कुछ भी बेच सकती हूँ। उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि वो थी तो एक औरत, लेकिन दिल और दिमाग से कैपिटलिस्ट थी, और वो भी पूरी तरह से खालिस। मिसेस बी का फॉर्मूला सस्ता बेचो सच बताओ का फायदा ये हुआ कि उनकी दुकान की सालाना बिक्री $15 करोड़ तक पहुंच गई थी। 1983 में वॉरेन बफेट ने उनकी दुकान खरीदने का फैसला किया। बफेट उनके पास गया और कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको दुकान बेच दूंगी। कितने में? $6 करोड़। मिसेस बी इंग्लिश पढ़ना या लिखना नहीं जानती थी। एक पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट बना और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए, सौदा पूरा हुआ। सच तो ये था कि उन्होंने अपनी कंपनी बेची नहीं थी, हम पार्टनर थे और हर लिहाज से वो सीनियर पार्टनर थी। मैं कारोबार के बारे में जितना जानता था उससे ज्यादा तो वो भूल चुकी थी, इसलिए बॉस तो वही थी। वॉरेन बफेट तो मिसेस बी के दीवाने थे, और 1987 में ओमाहा प्रेस क्लब समारोह में उनका सम्मान भी किया था। 15 महीनों में उन्होंने मिसेस बी के साथ उतने पैसे कमा लिए जो उन्होंने कमजोर पड़ी बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल फैक्ट्री से 19 साल में भी नहीं कमाए थे। उससे थोड़ी भरपाई तो हुई, लेकिन बफेट उसे तब तक चलाते रहना चाहते थे जब तक वो एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर बोझ न बन जाए। वो उसके कर्मचारियों की छुट्टी करने को राजी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें लिक्विडेटर कहें। वो ये भी नहीं चाहते थे कि वॉल स्ट्रीट वाले आए और अपने फायदे के लिए वहां ताला लगा दें। बफेट को अपने शेयर होल्डर्स का पूरा ध्यान रहता था, और 1985 में उन्होंने उसे बंद कर दिया, जिससे 400 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। उसी साल बफेट अपने अच्छे दोस्त टॉम मर्फी की मदद के लिए भी आगे आए, जो मीडिया कंपनी कैपिटल सिटीज के मालिक थे। मर्फी तब ABC खरीदना चाहते थे। ABC से वर्ल्ड न्यूज टुनाइट, पीटर जेनिंग्स के साथ। मैंने फौरन वॉरेन को फोन किया, मुझे एक ऐसा दमदार स्टॉक होल्डर चाहिए था।
जो किसी और को कंपनी को हथियाने से रोक सके। उस वक्त जगह जगह छापे पड़ रहे थे, लेकिन अगर बफेट जैसा शख्स साथ होता तो कोई छापा मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचक के वॉरेन बफेट अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मफी से पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मफी ने कहा, करीब 52 करोड़ डॉलर। बफेट ने कहा, ठीक है। मतलब उन्हें फैसला लेने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। पहले साल में हमें 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था, वो बहुत अच्छे संकेत तो नहीं थे। लेकिन बफेट को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। ठीक है, यह शॉर्ट वन, चलो तैयार हो जाओ। बफेट बाद में होने वाला फायदा देख रहे थे। एबीसी तो स्थिर हो गया था, लेकिन स्टॉक मार्केट लुढ़क रहा था। फिर 19 अक्टूबर 1987 के ब्लैक मंडे को डाउ जोन्स में 22% की गिरावट आई। बर्कशायर हैथवे के शेयर्स में 25% की गिरावट आ गई थी। बफेट को करीब 34 करोड़ 20 लाख डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस नुकसान को अपने फायदे में बदल दिया। ये वो वक्त था जब कोई वॉल स्ट्रीट जाकर काफी सस्ते में कोई कारोबार खरीद सकता था, और उसके कुछ ही महीने बाद उन्होंने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने उस कंपनी पर पैसे लगाए थे जिसे बचपन से ही देखते आ रहे थे, कोका कोला के प्रेसिडेंट ओमाहा में उनके पड़ोसी थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कौन रोजाना उनकी कंपनी के 50,000 शेयर खरीद रहा है। बर्कशायर हैथवे लगातार बढ़ रही थी और काफी पैसे कमा रही थी। हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं भाई और बैठे जनाब वॉरेन बफेट। 1995 में डिज्नी कॉर्पोरेशन ने 1,900 करोड़ डॉलर में एबीसी को खरीद लिया, जिससे बफेट को काफी फायदा हुआ। दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स को इससे बहुत फायदा हुआ। बफेट के शेयर होल्डर्स को किसी तरह की शिकायत नहीं थी। हमारे देश में कई तरह का कारोबार हो रहा है, और मेरा काम है अपने शेयर होल्डर्स के लिए उन कंपनियों की कमाई में से अपना हिस्सा लेना। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे अब हर हफ्ते करीब 10 करोड़ डॉलर कमाना है, और मुझे एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे मैं ये रकम कमा सकूं। साल में कुल मिला के 52 हफ्ते होते हैं, और इस हिसाब से मुझे करीब 520 करोड़ डॉलर कमाने थे। काम आसान नहीं था। टेस्टिंग 10 लाख 20 लाख 30 लाख। बफेट के बर्कशायर हैथवे के मुनाफे को कैसे इन्वेस्ट करें, वो एक ऐसी परेशानी थी जिसे हजारों लोग लेना चाहते थे। लेकिन अब लगातार बूढ़े हो रहे बफेट को कुछ और अहम फैसले लेने थे। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, और वो शेयर होल्डर्स के लिए एक गुरु थे। हर साल बर्कशायर हैथवे की सालाना मीटिंग में बड़ी संख्या में वो लोग ओमाहा आते थे। उनके पास बर्कशायर एनुअल रिपोर्ट होती थी, जो उनके लिए बाइबल से बिल्कुल कम नहीं थी। वो वहाँ उस गुरु को सुनने आते थे। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ली मंगर के साथ वॉरेन बफेट ने मीटिंग में भाषण दिया। वो सुबह ठीक 8 बजे आ गए थे, और उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि ज्यादातर पब्लिक कंपनीज के सीईओ पब्लिक इन्वेस्टर्स को बेवजह का सिर दर्द मानते हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वॉरेन उन इन्वेस्टर्स से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनके पार्टनर्स हो। कुछ बातों को छोड़कर उनके स्टॉक होल्डर्स को हर साल अच्छी खबर मिलती थी। उन्हें टेक स्टॉक से सख्त नफरत थी। अगर आप 1990 से लेकर 2000 तक आए टेक धमाके को देखें, तो यही पाएंगे कि वो उससे दूर ही रहे। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने कई बड़े अहम मौके गवा दिए और कई बड़ी कंपनियों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें ये सब पसंद ही नहीं था। उनके ऑफिस में तो कंप्यूटर भी नहीं था। किस काम का है? मतलब देखिए कि मैं अच्छी कीमत पर एक सही कंपनी खरीदना चाहता था, और कंप्यूटर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी उन्हें समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने 9 घंटे तक मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में समझाया। उनसे बेहतर टीचर नहीं मिल सकता, और मेरे जैसा बुद्धू स्टूडेंट भी नहीं। वो इतने अच्छे टीचर थे कि मैं उनकी बताई कुछ बातें समझ गया, और उनकी बात पूरी होने तक मैंने 100 शेयर खरीद लिए। इससे पता लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बेवकूफियां करते हैं। लेकिन जब .com का वो बुलबुला फूटा, तब भी बफेट को कोई नुकसान नहीं हुआ, और बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट, उनके शेयर होल्डर्स और अमेरिका के लिए लगातार पैसे कमा रही थी। वॉरेन बफेट तो 13 साल की उम्र से ही टैक्स दे रहे थे। 2004 में बर्कशायर हैथवे ने फेडरल टैक्स के तौर पर 300 करोड़ डॉलर चुकाए, और उसका रिटर्न करीब 10,000 पन्नों का था। वॉरेन की उस कमाई में एक भी पैसा उन
गेम्स का नहीं था जो उस उम्र के फाइनेंसियर्स खेलते हैं, स्टॉक होल्डर्स को धोखा देने का खेल। मैंने हजारों लोगों से बात की, उनकी राय पूछी, पर किसी ने कभी किसी तरह की साजिश या गलत तरीकों के इस्तेमाल की बात नहीं की। उन्होंने कभी अतीत को बर्बाद करके भविष्य के लिए लालच नहीं की। उन्होंने अपनी कमाई में से 3,700 करोड़ डॉलर बिल और मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन को दिए थे। मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए पैसे जमा करना चाहता हूँ। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। मैं सच कहता हूँ, ये खेल बहुत ही मजेदार है। मुझे 3,700 करोड़ डॉलर के दान ने सबको दंग कर दिया था, लेकिन बफेट की जिंदगी में अभी कई मोड़ आने थे। 2004 में सूजन की मौत हुई, ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया और 2 साल बाद लंबे समय तक उनके साथ रह रही 60 साल की एस्टेड मैंग से शादी कर ली। वो एक दूसरे को चाहने लगे थे और अब वो शादी कर चुके थे, इस बात से सब बहुत खुश थे। बफेट ने अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए पैसे कमाना बंद नहीं किया। 2006 में उन्होंने 400 करोड़ डॉलर में एक इजरायली मेटल वर्किंग कंपनी इस कार खरीदी, जो बर्कशायर हैथवे के लिए विदेश में सबसे बड़ी कामयाबी थी। बर्कशायर हैथवे एक बार फिर से सुर्खियों में थी, क्योंकि उसके शेयर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया था। स्टॉक मार्केट में नया हंगामा, कल बर्कशायर हैथवे कंपनी के शेयर $1,00,000 तक पहुँच गए। हर शेयर की कीमत है $1,00,000। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे पार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन वॉरेन कहां हार मानने वाले थे। वो अभी चुप बैठने को तैयार नहीं थे। वॉरेन को ऐसे खेल खेलना बहुत पसंद था। वो चुनौतियों का, मानसिक चुनौतियों का सामना करने से कभी नहीं घबराते थे। वो आज भी ये खेल सबसे बेहतर खेल रहे हैं। 2008 में बफेट 6,200 करोड़ डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वो अपने दोस्त बिल गेट्स से भी आगे निकल गए थे, जो पिछले 13 साल से लगातार सबसे अमीर बने हुए थे। वो सबसे अमीर बन गए थे, लेकिन इससे उनकी चाल में सुस्ती नहीं आई। उसी साल उन्होंने रिगली को 2,300 करोड़ डॉलर में खरीदने में मास कंपनी की मदद की। हालांकि उन्होंने एक बहुत पुरानी और बेहतर रिकॉर्ड वाली कंपनी में पैसे लगाए थे, लेकिन बफेट भविष्य देख रहे थे। अक्टूबर 2008 में उन्होंने 23 करोड़ डॉलर में एक अनजानी चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के 10% शेयर खरीद लिए। एक साल के अंदर बर्कशायर हैथवे का कंपनी में स्टेक 100 करोड़ बढ़ गया। ये 500% की बढ़त थी। इसके अलावा इस दशक के आखिरी सालों में भी ओरेकल ऑफ ओमाहा पर अमेरिका की उस भयानक मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उनकी संपत्ति बहुत कम हो गई थी और बर्कशायर हैथवे के शेयर्स के दाम भी कम हो गए थे। 2009 में बफेट ने माना कि बिजली बनाने वाली कंपनी कोलको फिलिप्स में पैसे लगाने से बर्कशायर हैथवे को कई 100 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था, लेकिन इतने बड़े तूफान के आने पर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका में आज वॉल स्ट्रीट से रोजाना बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक दौर गुजर चुका है। पर मंदी का ये दौर सबके लिए बहुत भारी है, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। मुश्किल हालात में भी बफेट ने बड़े दांव लगाना नहीं छोड़ा और इस बार उन्होंने बर्कशायर हैथवे के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। नवंबर 2009 में होल्डिंग कंपनी ने बर्लिंगटन नॉर्दर्न सैंटा फे कंपनी पर 3,400 करोड़ डॉलर लगाए, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी है। 2010 में बफेट बिल गेट्स और मेक्सिकन टेलीकॉम टाइकून कार्लस स्लिम के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। वो अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रह गए थे, लेकिन दुनिया उनकी बात सुनने को तैयार थी। उस गर्मी के मौसम में उनके सालाना चैरिटी ऑक्शन में जीतने वाले ने उनके साथ खाना खाने के लिए $26,00,000 दिए। बर्कशायर हैथवे के एनुअल स्टॉक होल्डर मीटिंग में बैठे लोग उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने बफेट को बदनाम बैंकिंग जायंट गोल्डमैन सैक्स की तरफदारी करते सुना। इतना ही नहीं, उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्वायरी कमीशन को दिए अपने बयान में उससे भी ज्यादा बदनाम मूडीज और दूसरी रेटिंग एजेंसीज का साथ दिया था। बफेट ने कहा कि मूडीज भी उन एजेंसीज में से एक थी जो घरों की समस्या को ठीक से समझ नहीं पाई। उन्होंने कुछ गलत फैसले ले लिए। वो अमेरिका के ज्यादातर लोगों की तरह यही मान रहे थे कि देखो मैं ये गलती कर रहा हूँ।
हालांकि उस मंदी की वजह से आर्थिक तस्वीर बदल चुकी थी, फिर भी बफेट वही करते रहे जो वो सबसे अच्छा करते थे और जिसमें उन्हें मजा भी आता था। मैं तो वही कर रहा था जो मैं रोज करता था। ये 10 सेंट की कोक मशीन, मुझे चाहिए कोका कोला। मैं हूँ वॉरेन बफेट, वो दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान। मैं ऐसा खत नहीं लिखना चाहता जिसकी शुरुआत हो प्यारी आना लिखो। बात ये नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है, बात ये है कि उन्हें यही पसंद है।